नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हीरो डुइट और फ्रेंड्स हीरो प्लेजर प्लस के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है इन दोनों गाड़ियों को लेकर आज वो पूरा इसी वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो डुइट के इंजन के बारे में। तो आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक 110.9 सीसी का इंजन दिया जा रहा है। नंबर ऑफ सिलेंडर 1 मिलते हैं। मैक्सिमम पावर 8 bhp की जनरेट करता है ये इंजन एट द रेट ऑफ 7500 के rpm में, और 8.7 nm का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 5500 के rpm में। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो प्लेजर प्लस के इंजन के बारे में। तो आपको फ्रेंड्स सेम इंजन दिया जा रहा है 110 सीसी का, साथ ही में नंबर ऑफ सिलेंडर 1 मिलते हैं। वेव्स पर सिलेंडर 2 दिए जा रहे हैं। और अगर बात करें कूलिंग सिस्टम के बारे में तो एयर कूल्ड सिस्टम मिलता है, साथ ही में आपको इग्निशन सिस्टम TCI इग्निशन सिस्टम दिया गया है, ट्रांजिस्टर कंट्रोल इग्निशन सिस्टम। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो डुइट के टायर्स एंड सस्पेंशंस के बारे में। तो आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स फ्रंट में दिए जा रहे हैं। 10 इंच का व्हील मिलता है विथ ड्रम ब्रेक्स, और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आपको दिया जा रहा है। IBS सिस्टम मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बात करें गाड़ी के रियर टायर के बारे में और रियर सस्पेंशन के बारे में, तो आपको सेम साइज़ का रियर टायर दिया गया है, और आपको यूनिट स्विंग विथ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन रियर में दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो प्लेजर प्लस के टायर्स एंड सस्पेंशंस के बारे में। तो आपको फ्रंट के अंदर 10 इंच का व्हील दिया जा रहा है। ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं विथ IBS सिस्टम, यानी कि इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। और आपको बॉटम लिंक विथ स्प्रिंग लोडेड फ्रंट सस्पेंशन दिए जा रहे हैं। और अगर बात करें इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो स्विंग आर विथ स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन आपको दिए गए हैं। आगे पीछे सेम साइज़ का टायर दिया जा रहा है, और सेम साइज़ के ही ड्रम ब्रेक्स आपको मिलते हैं, और कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो डुइट के डायमेंशन एंड वेट के बारे में। तो आपको 1830 mm की लेंथ दी जा रही है, 726 mm की विड्थ मिलती है, और 1139 mm की हाइट दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस 1245 mm का मिलता है, और 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है। साथ ही में अगर बात करें गाड़ी के कर्ब वेट के बारे में, तो 116 kg का कर्ब वेट आपको ओवरऑल दिया जाता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो प्लेजर के डायमेंशन एंड वेट के बारे में। तो आपको 1769 mm की लेंथ दी जा रही है, 704 mm की विड्थ मिलती है, और 1161 mm की हाइट दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस 1238 mm का मिलता है, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है, और गाड़ी का ओवरऑल कर्ब वेट 101 kg का आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो डुइट के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। तो आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको फ्रंट में क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, और हेलोजन हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको AHO टेक्नोलॉजी के साथ में दिए जा रहे हैं। इंडिकेटर्स आपको हैंडल पर ही दिए जाते हैं, यानी कि पूरा एक हेडलैम्प कंसोल आपको मिल जाता है। हीरो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी फ्रंट के अंदर। और अगर बात करें इसकी साइड व्यू मिरर के बारे में, तो आपको ड्यूल टोन के अंदर दी गई है ब्लैक विथ बॉडी कलर, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है जो लुक बढ़ाती है इसका। और अगर बात करें इसके मीटर के बारे में, तो आपको एनालॉग विथ डिजिटल मीटर दिया जा रहा है। डिजिटल फ्यूल मीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है, रीसेट करने का स्विच दिया गया है, एनालॉग स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, साइड स्टैंड वार्निंग लाइट और हेडबीम्स की लाइट मिल जाती है, साथ ही में इंडिकेटर की लाइट भी दी गई है। और अगर बात करें इसके लॉक के बारे में, तो लॉक से ही आप अपना बूट और अपना फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। फ्यूल टैंक आपको बाहर की तरफ दिया जा रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और अगर बात करें बूट के बारे में, तो बूट में आप अपना पूरा एक हेलमेट स्टोर कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्पेस आपको दी गई है। साथ ही में आपको LED लाइट इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, और आपको USB चार्जर भी इसके अंदर दिया जाता है। अगर बात करें साइड लुक के बारे में, तो साइड में भी क्रोम ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। डुइट की बेजिंग आपको रियर में मिल जाएगी,
टेल लाइट्स जो हैं फ्रेंड्स, इसकी आपको नॉर्मल टेल लाइट्स दी गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेट शेप में लाइट मिलती है जैसे कि पैशन में मिलती है, और उसी तरीके से इसका जो लुक है वो थोड़ा सा एडवांस रियर से भी दिखता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं हीरो प्लेजर के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। तो आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, इंडिकेटर्स आपको नीचे की तरफ दिए जाते हैं, और आपको ब्रांड जो है हीरो उसका लोगो भी मिल जाता है फ्रंट में। ब्लैक कलर में साइड व्यू मिरर दी जा रही है, और आपको फुल्ली एनालॉग मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर एनालॉग दिया जा रहा है, फ्यूल मीटर एनालॉग मिलता है, साइड स्टैंड वार्निंग लाइट, हेड बीम्स की लाइट और इंडिकेटर्स की लाइट मिल जाती है। हीरो की ब्रांडिंग आपको मीटर के अंदर भी मिल जाएगी। सभी प्रकार की स्विच दिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पासिंग स्विच को छोड़कर आपको नीचे की तरफ एक यूएसबी चार्जर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर लगाया है, और आपको फ्रंट में थोड़ी सी स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। जो इसका बूट का ओपन करने का तरीका है वो थोड़ा सा डुएट से अलग है, आपको रियर में चाबी लगाकर बूट ओपन करना पड़ेगा। एलईडी लाइट आपको बूट में मिल जाती है, और आपको टूल किट वगैरह सभी सुविधा दी जा रही हैं। फ्यूल टैंक जो है वो आपको अंदर मिलता है, इसमें प्लेजर प्लस की बैजिंग दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल जो कलर है वो आपको ग्लोसी ट्रीटमेंट में दिया जाता है, और रियर जो टेल लाइट्स हैं वो आपको नॉर्मल बल्ब दिए जा रहे हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Baby,